बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया एक्टिव हो रहा है। इसकी वजह से 24 सितंबर से लगातार 3 दिन तक प्रदेश के पूर्वी और दक्षिण के कुछ जिलों में तेज बारिश होने का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के 38 जिलों में बारिश का कोटा फुल हो चुका है। इनमें मंडला और सिवनी में सबसे ज्यादा पानी गिरा है। नमस्कार, मैं वीएस यादव, मौसम वैज्ञानिक। वर्तमान में बे ऑफ बंगाल पे दो साइसर बने हुए हैं, जिसके वजह से अगले 24 घंटे के दौरान पे एक लो प्रेशर एरिया बे ऑफ बंगाल बनने की संभावना बनी हुई है। उसके वजह से प्रदेश में आगे भी वर्षा की गतिविधियाँ बनी हुई हैं और मानसून, साउथ वेस्ट मानसून वेस्ट राजस्थान और कच्छ के जिलों से विड्रॉल हो चुका है। इस हिसाब से विड्रॉल की स्थिति बनी हुई है क्योंकि एंट्री साइसर एक वेस्ट राजस्थान पर स्थापित हो गया है। अगले 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश में लगभग छुटपुट बारिश के आसार ही बने हुए हैं और दक्षिण मध्य प्रदेश में गरज चमक की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन जो लो प्रेशर सिस्टम बन रहा है उसकी वजह से 24 तारीख से वर्षा की गतिविधि में थोड़ी बढ़ोतरी होगी और दक्षिण मध्य प्रदेश के कुछ जिले हैं झाबुआ, धार, इंदौर, बड़वानी, खरगोन, बैतूल, पांडुना, बालाघाट में हैवी रेनफॉल होने की संभावना बनी हुई है। लगभग अगले दो दिन तक 24 से 25 में भी लगभग इसी में अच्छी खासी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। और लोकल राजधानी की बात करेंगे तो राजधानी का मौसम खुला रहेगा और धूप रहेगी और लगभग दोपहर शाम तक गरज चमक की कन्वेक्टिव एक्टिविटीज़ की वजह से दोपहर शाम तक कुछ एरियों में हल्की बौछारें हो सकती है। धन्यवाद।